नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा द्वारा 55 खाली पोस्टों पर यह भर्ती आई है। तो इसमें लाइब्रेरियन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक खाली पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और एज लिमिट इसमें 55 साल रहेगी। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए अनरिजर्व में एक खाली पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस ये क्वालिफिकेशन रहेगी और 55 साल इसमें एज लिमिट रहेगी। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक खाली पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी और इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रहने वाली है और 9 साल का आपका एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर का इस पोस्ट के लिए होगा और एज लिमिट 55 साल रहेगी। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक खाली पोस्ट है और इसमें पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एजी सीएजी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस और इसमें आपकी एज लिमिट जो रहेगी वो 55 साल रहेगी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक खाली पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में और इसमें पर्संस फ्रॉम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री फोर्सेज 5 ईयर विद 5 ईयर सर्विस और इसमें एज लिमिट यूनिवर्सिटी के जो नियम रहेंगे उनके अनुसार फिक्स की जाएगी। उसके बाद हिंदी ऑफिसर में अंग्रेजों के लिए एक खाली पोस्ट है, मास्टर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी और हिंदी इंग्लिश इसमें कंपलसरी दिया गया है और 3 साल का आपका टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश में आपका एक्सपीरियंस रहेगा। एज लिमिट 40 साल। सिस्टम एनालिस्ट के लिए एक खाली पोस्ट अंग्रेजों कैटेगरी के लिए है, बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी एक क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट 40 साल है। मेडिकल ऑफिसर के लिए एक खाली पोस्ट है ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और इसमें ग्रेजुएट इन मेडिसिन क्वालिफिकेशन आपकी, एज लिमिट 40 साल रहेगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए एक खाली पोस्ट है जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, बैचलर डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी और 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा इसमें, एज लिमिट 35 साल रहेगी। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक अनरिजर्व कैटेगरी में खाली पोस्ट है, बैचलर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, एज लिमिट 35 साल। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक खाली पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में और इसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जूनियर इंजीनियर का रहेगा, एज लिमिट 35 साल रहेगी। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 2 खाली पोस्टें हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट का रहेगा, एज लिमिट 35 साल रहेगी। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 1 खाली पोस्ट है, मास्टर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट 35 साल रहेगी। असिस्टेंट के लिए 1 खाली पोस्ट है एससी कैटेगरी में, बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स वर्क, एज लिमिट 35 साल। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2 खाली पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, बैचलर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी और आपकी प्रोफिशिएंसी जो रहेगी वो टाइपिंग इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में आपका 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड रहेगी और वो कंप्यूटर पे रहेगी, 35 साल एज लिमिट रहेगी। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 1 खाली पोस्ट है,
PWD और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है ये पोस्ट, और मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एज लिमिट 35 साल रहेगी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में एक खाली पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ME और MTech डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। 35 साल एज लिमिट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक खाली पोस्ट अनरिजर्व के लिए। ME और MTech डिग्री, एज लिमिट 35 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक खाली पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन ME और MTech डिग्री। एज लिमिट 35 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में एक खाली पोस्ट है वो PWD अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ME और MTech डिग्री। एज लिमिट 35 साल। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए एक खाली पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। बैचलर डिग्री इन स्टेटिस्टिक। एज लिमिट 32 साल। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए एक खाली पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में है। बैचलर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, और इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस इसमें रहेगा। एज लिमिट 32 साल। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम अनरिजर्व कैटेगरी में खाली पोस्ट है। BE और BTech डिग्री। एज लिमिट 32 साल रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में एक खाली पोस्ट अनरिजर्व में है। BE और BTech आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। एज लिमिट 32 साल। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग एज लिमिट इसमें 32 साल है, और अनरिजर्व कैटेगरी में ये खाली पोस्ट है। BE और BTech डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक खाली पोस्ट अनरिजर्व के लिए। BE और BTech आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। एज लिमिट इसमें 32 साल रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में एक खाली पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। BE BTech डिग्री क्वालिफिकेशन, और एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक खाली पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। बैचलर डिग्री और एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व कैटेगरी में एक खाली पोस्ट है। BE और BTech आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। BE BTech डिग्री क्वालिफिकेशन, और एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक खाली पोस्ट अनरिजर्व में। BE BTech डिग्री। एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप सी की ये पोस्ट है, एक खाली पोस्ट रहेगी इसमें। BE BTech डिग्री। एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस में दो खाली पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एज लिमिट 32 साल। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए दो खाली पोस्टें हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। एज लिमिट 32 साल। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एक खाली पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में, एक पोस्ट OBC के लिए और एक SC कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। क्वालिफिकेशन 12वीं पास, और स्किल टेस्ट नॉर्म्स जो कंप्यूटर पे रहेंगे आपके, इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड रहेगी वो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड रहेगी। एज लिमिट 30 साल रहेगी। MTS में अनरिजर्व के लिए खाली पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन 10th पास, ITI पास, ITI का आपका डिप्लोमा चाहिए इसमें, और एज लिमिट 32 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक खाली पोस्ट है, क्वालिफिकेशन 12वीं पास, और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट 32 साल। किचन अटेंडेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक खाली पोस्ट है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट फील्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस कुक अप्रेंटिस का।
एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एक खाली पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अनरिजर्व के लिए 12वीं पास योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी, एज लिमिट 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4 खाली पोस्टें हैं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 2 पोस्टें ओबीसी के लिए और एक खाली पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए, इसमें क्वालिफिकेशन 12वीं पास, एज लिमिट 32 साल। इसके बाद इन्होंने जो इस भर्ती में जो दिया गया है ये कि आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगानी है, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 2/12/2019 शाम 5:30 बजे तक, और इनका जो फॉलोइंग एड्रेस जो रहेगा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने जो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो इनका एड्रेस रहेगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट एकेडमिक ब्लॉक नंबर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ 123031। और इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ग्रुप ए में 1000 रुपये फ़ी रहेगी, ग्रुप बी में 800 रुपये और ग्रुप सी के लिए 500 रुपये फ़ी रहेगी। वुमेन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को फ़ी में छूट दी गई है, और ये जो आपकी फ़ी है इसका डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा वो इन फेवर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पेबल एट महेंद्रगढ़ हरियाणा, इनके नाम आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और आपने सारी जानकारी ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म फिल करने हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, धन्यवाद।